तो दोस्तों आज है 26 जनवरी और आज है रिपब्लिक डे। आप सभी को टेक्निकल एमडी चैनल की तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। तो दोस्तों 26 जनवरी यहाँ पर हो चुका है। रियलमी XT रियलमी 3 प्रो को अभी तक रियलमी UI नहीं मिला, इसके लिए ये वीडियो है। तो दोस्तों नए वीडियो में फिर से आपको स्वागत करते हैं। मैंने देख रहे चैनल टेक्निकल एमडी। तो चलिए देख लेते हैं रियलमी XT और रियलमी 3 प्रो का रियलमी UI क्यों नहीं मिला, कब मिलेगा, ऐसा कैसे चलेगा भाई रियलमी। तो दोस्तों ये है मेरे पास रियलमी 3 प्रो और रियलमी 3 प्रो में मेरे को तो अपडेट नहीं मिला था, लेकिन मैंने यहाँ पर मैनुअली अपडेट कर लिया। तो अगर आप चाहो तो मैनुअली कर सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे। और आप मैनुअली अपडेट करने में क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके बारे में भी वीडियो ऑलरेडी बना हूँ, वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद डिसाइड करो अपडेट करना है या नहीं करना है। तो रियलमी UI अपडेट रियलमी 3 प्रो और रियलमी XT में नहीं आया अभी तक। अभी हो रहा है टाइम 9:30 AM सुबह का। तो 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, एक फॉर्म आया था फिलअप करने के लिए। जिन लोगों का रियलमी UI अपडेट रियलमी 3 प्रो और XT में जल्दी से चाहिए, वो फॉर्म फिलअप करने के साथ साथ आपको अपडेट तुरंत मिल जाएगा। वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा रखा गया था 23 जनवरी तक कोई भी वो फॉर्म फिलअप कर दे तो उनको 25 जनवरी तक यहाँ पर अपडेट मिल जाएगा। कल 25 जनवरी था, पूरा दिन हमने वेट किया, रियलमी कस्टमर केयर से बात किया, रियलमी ट्विटर से ट्वीट किया, रियलमी को पूछा अभी तक क्यों नहीं अपडेट आया, अभी तक क्यों नहीं अपडेट आया। तो उन्होंने बार बार एक ही रिप्लाई दे रहा था। आज 25 जनवरी है, आज आपको रात 12 बजे से पहले अपडेट मिल जाएगा। फिर हमने सोचा ठीक है वेट करते रात 12 बजे तक। रात 12 बजे तक हमने वेट किया, रात 12 बजे तक कोई भी अपडेट नहीं आया। पूरा रात जाके ही चला गया, अब अपडेट आएगा, अब अपडेट आएगा, अब अपडेट आएगा, लेकिन यहाँ पर अपडेट नहीं आया। मेरी तरह शायद आप लोगों से भी बहुत लोग ऐसे हैं, सिर्फ अपडेट के लिए कल पूरा रात गुजार दिया, अपडेट आएगा आएगा करते करते। तो अगर आप भी मेरी तरह पूरा रात जागा हुआ है तो कमेंट पे ज़रूर यहाँ पर बता देना। रियलमी बोलते हैं अपडेट आएगा, हम लोग सोचते हैं अपडेट तो आ ही जाएगा। रियलमी एक डेट देता है, उन डेट में अपडेट नहीं आता है, क्या कर रहा है यहाँ पर रियलमी। अगर अपडेट आपको 25 जनवरी यहाँ पर नहीं देना है तो आप क्यों बोला 23 जनवरी तक फॉर्म फिलअप करो तो आपको 25 जनवरी तक अपडेट मिल जाएगा। आप बोल सकते हैं 23 जनवरी तक फॉर्म फिलअप करो आपको अपडेट मिलेगा, हम लोग वेट करते थे। 25 जनवरी का डेट देना क्यों था आपको। अगर आप एक रेपुटेड ब्रांड, नंबर 1 ब्रांड इंडिया में बनना चाहते हो, अगर आपका कमिटमेंट ही सही नहीं रहा तो कैसे बनोगे आप नंबर 1 ब्रांड। आप Xiaomi के साथ टक्कर ले रहा हो, किसी अरे गहरे कंपनी को नहीं है। ऐसे ही रेडमी तो Xiaomi तो नंबर 1 ब्रांड है। इससे पिछले कुछ क्वार्टर में रियलमी का अच्छा भी चल रहा था, लेकिन कल एक रिजल्ट आया लास्ट क्वार्टर में, रियलमी हो गया 4। नंबर 1 को छोड़ो, नंबर 2 भी नहीं हुआ, 3 भी नहीं हुआ। इधर नंबर 1 तो Xiaomi है, नंबर 2 में आपका वीवो आ गया, 118% तरक्की करके 2 नंबर पर वीवो आ गया। उसके बाद सैमसंग, उसके बाद ओप्पो, उसके बाद रियलमी। तो नंबर 1 ब्रांड अगर आप बनना चाहते हो, सिर्फ महीने में 10-12 मोबाइल निकल देने से ही कुछ नहीं होगा। उसका सेल सर्विस भी देना होता है, सॉफ्टवेयर अपडेट भी देना होता है। रियलमी ओल्ड डिवाइस में तो आप बोल ही दिया रियलमी UI नहीं मिलेगा, लेकिन इससे पहले आप कमिटमेंट किया था जो अपडेट नया आएगा सभी मोबाइल में अपडेट आपको मिलेगा। तो रियलमी C1, रियलमी 2, रियलमी U1 और रियलमी 1 को अपडेट नहीं मिलेगा रियलमी UI, वो पहले ही आपने बता दिया। फिर जो नया मोबाइल है रियलमी XT नया है, रियलमी 3 प्रो वो भी 6-7 महीना हुआ है, उसमें भी आप ऐसा कर रहे हो। 25 जनवरी डेट देते हो, अपडेट नहीं देते हो, ऐसे नहीं बन पाओगे आप नंबर 1। नंबर 1 तो छोड़ो, आप जो पर महीने आप मोबाइल निकल रहे हो ना वो भी बेचना बंद हो जाएगा अगर ऐसा करोगे। अभी कस्टमर आपसे गुस्सा हुआ है, आप एक बार रियलमी कम्युनिटी चेक करो, कितना गुस्सा वहाँ पर निकल रहा है सभी लोग, सिर्फ एक अपडेट को लेकर। आप ऐसा करोगे तो कैसे बन पाओगे नंबर 1 कैसे। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैंने बता दिया अभी तक रियलमी XT रियलमी 3 प्रो में किसी के पास रियलमी UI नहीं आया। अगर आपके पास आया है तो कमेंट जरूर करना, मेरे पास आया है। गिना चुना कुछ लोगों को 4-5 दिन पहले अपडेट मिल गया था। तो मेरे मानना यही है, अगर आप चाहो तो मैनुअली यहाँ पर अपडेट कर सकते हो, आपका अगर मर्जी हो तो, और नहीं तो आपको पर वेट करने के अलावा कुछ रास्ता यहाँ पर नहीं है। ट्विटर में भी गुस्सा निकल रहा है, ऐसे ही तो ब्रांड का इमेज ख़राब होगा ना। अब रियलमी ये सोचेगा तो उसका ही वाला है, नहीं तो ऐसा ही चलता रहेगा। 10-12 मोबाइल आएगा मार्केट में, कोई नहीं खरीदेगा। जैसे रियलमी 5 आया, आज इसका ओपन सेल हो गया, कोई खरीद ही नहीं रहा है। रियलमी 5S आया, 5 आया, 5i आया, तो ऐसा ही चलता रहेगा। नंबर 1 तो कभी नहीं बन पाएगा ऐसा करेंगे तो।
उसके बाद अपडेट कब आएगा आप इसका कुछ पता नहीं। कल कल रात 12 बजे तक आना था, उन्होंने ऐसा बोला था, नहीं आया। फिर आज सुबह से मैंने बहुत बार वहाँ पर फ़ोन किया, कोई भी कस्टमर केयर वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर बहुत बार ट्वीट किया, ट्वीट का कोई रिप्लाई यहाँ पर नहीं है। पर्सनल ट्वीट किया, उसका भी कोई रिप्लाई यहाँ पर नहीं है। तो शायद कुछ हुआ है टेक्निकल प्रॉब्लम, जैसा हर बार होता है रियलमी की तरफ से, ऐसा ही हुआ होगा, इसीलिए अपडेट उन्होंने रोक दिया। तब ये अपडेट कब आएगा? आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, 2 दिन बाद भी आ सकता है, 1 वीक बाद भी आ सकता है। वो रियलमी का मर्जी है, जब आएगा तब ही आपको मिलेगा। अब आपको सिर्फ वही ठीक करना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पर, और गाली ही देना है रियलमी को, यही एक काम है और कुछ नहीं है। क्योंकि रियलमी के ऊपर भरोसा धीरे धीरे हमें उठ रहा है। पहले रियलमी ओल्ड डिवाइस को लेकर ऐसा हुआ था, अब रियलमी नया डिवाइस में लेकर भी ऐसा हो रहा है। तो रियलमी UI अच्छा एक सॉफ्टवेयर बनाया था, रियलमी ColorOS 7 जो आया था रियलमी UI के साथ, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कस्टमाइज है और बहुत ही यूजर इंटरफेस अच्छा है यहाँ पर। तो अब अपडेट नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा? सब लोग अपडेट जल्दी चाहते हैं यहाँ पर, सब लोग जल्दी चाहते हैं, किसी को वेट करने का ही है नहीं। तो दोस्तों यही था कि वीडियो रियलमी UI, मेरा भी कुछ भरस था वो निकालने का था, क्योंकि मैं भी वेट कर रहा था अपडेट के लिए, अपडेट अभी तक नहीं दिया। और क्या बोले, जब अपडेट आएगा तब मैं और एक वीडियो आपको बना दूंगा कि अपडेट मिलना यहाँ पर लगा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई उम्मीद नहीं है कि आज अपडेट आएगा, क्योंकि आज यहाँ पर कोई रिप्लाई भी नहीं आ रहा है भाई। तो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों यही था एक छोटा सा वीडियो, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अपडेट के रिलेटेड अनबॉक्सिंग ऐसा वीडियो मैं रोज़ लेके आता हूँ। तो दोस्तों इतना ही, बाय।